वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट जिसका नाम है रेनेसेंस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट के दो लेसन कम्प्लीट कर लिए हैं जो कि प्लेटो और एरिस्टोटल से डील करते थे। अगर आप वो दो लेसन्स नहीं देखते हैं देन आपको इस लेसन को समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। तो सब्जेक्ट का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड लेसन थर्ड है मैकियावेली। मैकियावेली को देखिएगा मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, मतलब कि मैकियावेली से ही मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था और 1527 में उनकी मृत्यु हुई थी। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि आखिर मैकियावेली थे कौन, मैकियावेली को चाणक्य के साथ क्यों जोड़कर देखा जाता है। ओके, तो सभी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ताकि वो पढ़ पाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वीडियोस नहीं मिल पाती है सर्च करने के बाद भी, क्योंकि जो YouTube की एल्गोरिदम होती है वो फेमस जो चैनल्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है जिनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। मुझे पता है इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो गेन कर पाए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। देखिएगा फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में अगर आपकी ER आती है ना तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा, मतलब एक साल और आपकी ग्रेजुएशन बढ़ जाएगी। तो इस बार ना थोड़ा दिल लगाकर दिमाग लगाकर पढ़ लीजिएगा। इंस्टाग्राम रील्स आप देख सकते हैं पूरे दिन पूरे रात, बट आप इस बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिएगा निकोलो मैकियावेली जो थे वो एक इटालियन डिप्लोमेट, फिलोसोफर, पॉलिटिकल थियोरिस्ट, हिस्टोरियन थे। ओके, तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है अपने टाइम के। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मॉडर्न डे पॉलिटिकल साइंस के फादर के रूप में जाना जाता है इनको। इनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो माना जाता है कि रेनेसेंस टाइम जो था एक मिडल वर्ल्ड में, तब की इनकी थिंकिंग है, मतलब कि एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी, मतलब कि मिडल एज से मॉडर्न एज की ओर जा रही थी। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी के आसपास के समय की इनकी विचारधारा है और उन्होंने तभी अपने जो कार्य थे, उनकी पुस्तकें थी, वो लिखी। ओके, मैकियावेली की जो विचारधारा थी वो रियलिस्टिक थी। रियलिस्टिक इन द सेंस कि भाई एम्पेरिकल थॉट्स पर हम बात करेंगे, मतलब कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये मत बताओ, मेरे पास फैक्ट्स, फिगर, एविडेंसेस लाओ कि भाई यहाँ देखो, यहाँ पर ये रिसर्च हुई है, ये यहाँ पर रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट है ना उसको मैं मानूंगा, आप क्या कहते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और इनका एक और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो कि इनकी विचारधारा जो थी वो रियलिस्टिक थी, और सेकंड पॉइंट ये था कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति थे ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलोसोफर थे, मतलब कि जो कहना है वो मुंह पे और साफ साफ कहते थे, इसलिए ना ये कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। इन्होंने पावर से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट्स दी है। इन्होंने एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए के बारे में बहुत सारी बातें की है अपनी पुस्तक द प्रिंस में। तो उनके बारे में हम जानेंगे। सेंचुरी ओल्ड जो नॉलेज होती है उसको पढ़ने के लिए इन्होंने दबाव डाला है कि भाई हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हिस्ट्री से सीखने के साथ हिस्ट्री से सीखी गई बातें मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे यूज़ की जाए वो प्रतिभा भी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ये सारी बातें बताते हैं मैकियावेली। रेनेसेंस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। मैकियावेली लिव्ड ड्यूरिंग द रेनेसेंस, अ पीरियड मार्क्ड बाय द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड द क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, स्पेशली द पावर ऑफ द चर्च। देखिएगा रेनेसेंस एक ऐसा समय था जहाँ पर लोग सेक्युलरिज्म की ओर जा रहे थे, फ्यूडल सिस्टम को छोड़कर एक नेशन स्टेट की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट्स की बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। तो मैकियावेली एक ऐसे दौर से आते हैं जहाँ पर बदलाव हो रहा था दुनिया भर में। इटली के बारे में आपने पढ़ा होगा, इटली का एकीकरण, तो उसी समय के मैकियावेली एक फिलोसोफर है।
His political philosophy reflects the changing attitudes of the time, moving away from the religiously dominated medieval political thought to a more pragmatic secular approach that laid the foundation for modern political science. तो देखिएगा, मैकियावेली जो थे वो रेनेसेंस टाइम के थे, मतलब कि 1400 से 1500 के बीच का जो समय था ईस्वी के, तब के ये व्यक्ति है, फिलोसफर है, और उस समय दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, चाहे आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, इंडिया में देखें, समय बदल रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि मिडल एज से लोग मॉडर्न एज की ओर जा रहे थे, ओके, मतलब कि नई नई, पहले क्या होता था कि भाई राजा का बच्चा जो है वो राजा बनेगा, लेकिन मैकियावेली का कहना था कि भाई ये सिस्टम अब बेकार हो चुका है, अब हमें सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वह राजा बनेगा जिसके अंदर काबिलियत है, काबिलियत इन द सेंस कि करेज है, वो व्यक्ति जो चालाक है, वो व्यक्ति जो एक राज्य को अच्छे से चला सकता है, कैसा व्यक्ति होना चाहिए उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, ओके। इनकी सोच कैसी थी, प्रैग्मेटिक थी, सेक्युलर व्यक्ति थे, कि भाई जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ पर चर्च का एग्जांपल है कि चर्च को पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन जो पॉलिसीज बनाते हैं लोगों के लिए वो रिलीजन को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी ना बनाई जाए, और यहाँ पर प्रैग्मेटिक विचारधारा थी इनकी। प्रैग्मेटिक विचारधारा से क्या तात्पर्य है, प्रैग्मेटिक विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर रिजल्ट्स पर फोकस किया जाता है, हवा हवाई बातों पर नहीं। बायोग्राफी की बात करें तो देखिएगा, मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था फ्लोरेंस नाम की सिटी में। मैकियावेली एक ऐसे पॉलिटिकल टर्बुलेंट टाइम से गुजरे हैं, उनका बचपन ऐसे पॉलिटिकली टर्बुलेंट टाइम में बीता है जहाँ पर केओस था, केओस इन द सेंस कि कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार, कोई कहीं से आक्रमण होता है, कभी यूरोप, कभी फ्रांस, ऐसे आक्रमण होता रहता था। मिडिवल टाइम की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोग आक्रमण करते थे, आप सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे तो वो मिडिवल टाइम की बात थी कि उन्होंने बहुत सारे देशों को जीत लिया था, वो कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, तो वही था यहाँ पर कि आक्रमण पे आक्रमण हो रहा था, बहुत ही केओस था पॉलिटिकली। ही सर्वड एज ए डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट, वो एक सिविल सर्वेंट और डिप्लोमेट रह चुके हैं फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक में, लेकिन क्या हुआ कि मेडी की फैमिली एक मतलब राजाओं की फैमिली थी उस टाइम पे, तो क्या हुआ कि उन्होंने पावर रीगेन कर ली 1512 में। फिर क्या हुआ, यहाँ पर मैकियावेली को एक्साइल्ड कर दिया, मतलब निकाल दिया अपनी जॉब से। फिर जब उनको जॉब से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपनी जो पुस्तकें द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस एक्सेट्रा लिखना स्टार्ट किया, और द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस बहुत ही फेमस बुक्स है मैकियावेली की। फिर 1527 में उनकी मृत्यु हो गई। मैकियावेली के द्वारा लिखे गए अगर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात करें तो द प्रिंस, डिस्कोर्सेस लेवी एंड द आर्ट ऑफ वॉर, और इसके साथ एक और बुक है वो आप देख लीजिएगा, ओके, अ गाइड फॉर रूलर। देखिएगा अगर प्रिंस की बात करें तो इसमें क्या था कि द प्रिंस में बताते हैं कि एक रूलर कैसा होना चाहिए, रूलर के अंदर क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, कितना चालाक होना चाहिए, किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहिए लोगों को एक रूलर को, ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। द डिस्कोर्सेज में ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन देते हैं रिपब्लिकन गवर्नेंस के बारे में कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, मोनार्कीज एम्फसाइज करते हैं सिविक वर्चूज पर एट्सेट्रा पर। देन द आर्ट ऑफ वॉर, यहाँ पर बताया गया है कि आर्ट ऑफ वॉर मतलब कि किस उस समय क्या था कि लड़ाइयाँ हो रही थी, कहीं ना कहीं से आक्रमण हो रहा था इटली पर, फ्रांस से, यूरोप से एट्सेट्रा जैसी कंट्रीज से, तो यहाँ पर इन्होंने ये बुक लिखी कि भाई आर्ट ऑफ वॉर, एक राजा को किस तरीके की मिलिट्री डेवलप करनी चाहिए और मिलिट्री किस तरीके से कार्य करनी चाहिए एट्सेट्रा। अगर आप चाणक्य को पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में वो लिखते हैं कि एक राजा को बहुत ही चतुर और शेर जैसा, मतलब कि शेर जैसा ताकतवर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। सेम टू सेम वैसी फिलॉसफी यहाँ पर मैकियावेली की भी है कि एक राजा को ब्रेव होना चाहिए और चालाक होना चाहिए। अगर एक राजा मतलब कि मान लीजिएगा चालाक नहीं है तो कोई भी आके उनको कुछ भी बोल के फिर अपनी जो सत्ता है वो छीन लेगा उनसे, तो मैकियावेली का भी ये मानना था, ओके। मैकियावेली एज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, अब मैकियावेली एज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, यहाँ पर देखिएगा क्या था, आप देखिएगा
कि बचपन में हमारे साथ जो हादसे होते हैं ना, वो बहुत ही गहरा इफेक्ट डालते हैं हमारे माइंड पर। तो बचपन में हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं, बचपन में हम जैसा जीवन यापन करते हैं, वो हमारे एडल्टहुड यानी कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो उस पर बहुत प्रभाव डालता है। तो जब मैकियावेली ने बहुत सारे टर्बुलेंट देखे, पॉलिटिकल टर्बुलेंट, संघर्ष देखा, लड़ाइयाँ देखी, तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था ऐसी परिस्थितियों में बीता जहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं वॉर देखी, कहीं ना कहीं किसी राजा की सत्ता को छीनते हुए देखा, इन तरीकों को देखा। फिर वो थे डिप्लोमेट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर थे। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना उनके बचपन की जो हादसे थे वो कहीं ना कहीं झलकते हैं उनके कार्य में। मैकियावेली वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच ही लिव्ड, मतलब कि जिस हिस्ट्री में, जिस समय में वो रहे हैं ना, जीवन यापन किया है ना, उससे वो नहीं दूर जा पाए। इटली वॉज फ्रेगमेंटेड इन टू कॉम्पिटिटिंग सिटी स्टेट्स। इटली एक ऐसा स्टेट था, पहले तो ये देख लीजिएगा कि इटली जो आज एक देश के रूप में हम देखते हैं ना, वो एक देश के रूप में नहीं था, वो बहुत बहुत छोटे छोटी सिटीज़ में बटा हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था वो उसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। तो इटली का एकीकरण पूरा चैप्टर है 11th या 12th क्लास में, आई थिंक 9th क्लास में, आप पढ़िएगा, इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो देखिएगा इटली जो था ना वो छोटे छोटे शहरों में बटा हुआ था और इनके अलग अलग राजा थे, फ्यूडल सिस्टम था, चर्च ज़्यादातर यहाँ पर सरकार चलाती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल पावर्स जो थे लाइक फ्रांस, स्पेन, वो फ्रीक्वेंटली इंटरवेंट करते थे इटालियन पॉलिटिक्स में, मतलब कि वो इंटरफेयर ज़्यादा करते थे। इस कियोस के कारण मैकियावेली के जो व्यूज थे कि भाई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, नहीं तो ये बाहर के लोग हैं जैसे फ्रांस, स्पेन एट्सेट्रा आकर तुम्हारे घर में डाका डाल जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, प्रैक्टिकल गवर्नेंस होनी चाहिए। प्रैक्टिकल गवर्नेंस इन द सेंस कि भाई मिलिट्री इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू हैव इन अ नेशन स्टेट। ही फोकस्ड ऑन रियल पॉलिटिक, एडवोकेटिंग द रूलर टू बी प्रैग्मेटिक, कि भाई रूलर को बहुत ही ताकतवर, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, कि भाई रिजल्ट्स पर फोकस करो, इवन रूथलेस होना चाहिए कि अगर किसी को मारना पड़े, ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए अगर किसी को रूथलेसली मारना पड़े तो एक राजा को कतई भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। इंश्योर सर्वाइवल एंड सक्सेस, कि अपने सर्वाइवल और सक्सेस के लिए अगर लोगों का हत्या भी करनी पड़े तो भी करनी चाहिए। इन्हीं स्टेटमेंट्स के कारण ही मैकियावेली कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे, ओके। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड मैकियावेली थॉट, अब कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने मैकियावेली की जो थॉट प्रोसेस थी, फिलोसफिकल प्रोसेस थी, उसको शेप किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई जिस माहौल में वो रहे वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब कि कहीं किसी राजा का आक्रमण, कहीं कोई राजा स्थापित होता है तो कहीं कोई राजा को उखाड़ फेंकते हैं, तो लड़ाइयाँ देखी इन्होंने। तो इनका मानना था कि भाई एक राजा को इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, डिसिसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूल होना चाहिए। ह्यूमन नेचर, ही हैड समवट लाइक साइनिकल व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, बिलीविंग दैट पीपल आर इनहेरेंटली सेल्फ इंटरेस्टेड। ह्यूमन नेचर इन द सेंस, मैकियावेली का मानना था कि कोई भी कुछ भी कर ले आपके लिए, आपके लिए कोई कुछ भी कर ले, लेकिन एट द एंड यू विल बी सेल्फिश। अगर आपका कोई भला नहीं होता उसमें, देन यू विल नॉट हेल्प अदर्स। यहाँ पर मैकियावेली का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मानना था कि भाई लोग सेल्फ इंटरेस्टेड है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, देन दे विल वर्क फॉर यू, ओके। इनका क्लियरली मानना ये था, द रूलर्स मस्ट मैनिपुलेट दिस टू मेंटेन ऑर्डर। तो रूलर को सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को बनाना चाहिए, ये कहना था मैकियावेली का। क्लासिकल लर्निंग, मैकियावेली वॉज वेल वर्स्ड इन रोमन हिस्ट्री। वो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो रोमन हिस्ट्रीज को बहुत इम्पोर्टेंस दी है अपनी अपनी जो पुस्तकें हैं मैकियावेली के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसमें रोमन हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इम्पोर्टेंस मिली है मैकियावेली के द्वारा। मैकियावेली कहते हैं कि जो लोग हिस्ट्री से नहीं सीखते वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते, तो हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री विल टीच यू सो मैनी थिंग, हिस्ट्री विल गिव यू अ न्यू आइडिया, जो मैकियावेली को हिस्ट्री ने ही दिया है, ओके। देन यहाँ पर देखिएगा,
philosophy drawing inspiration from figures like Livy, Cicero, who emphasized civic duty, power of a state, etc. तो यहाँ पर मैकियावेली ने हिस्ट्री से बहुत सीख ली है. कल्चरल मूवमेंट ऑफ द रेनेसेंस. अब रेनेसेंस के जो सांस्कृतिक मूवमेंट थे उनके बारे में पढ़ते हैं. द रेनेसेंस फॉस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल नॉलेज. रेनेसेंस का जब समय था तो वहाँ पर लोगों में एक भावना जगी, क्या कि भाई अब फ्यूडलिज्म तो ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे नए नेशन स्टेट्स डेवलप हो रहे थे जहाँ पर राजा कौन बन रहा था, जिसके अंदर काबिलियत थी, जो राजा चालाक था, शक्तिशाली था, वो राजा बन रहा था. राजा का बेटा राजा थोड़ी बन रहा था यहाँ पर. तो यहाँ पर अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, रीडिस्कवरी चालू की. किसकी? क्लासिकल नॉलेज की. क्लासिकल नॉलेज के बारे में हमने पढ़ा है दो वीडियोज़ में, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड रोमन हिस्ट्री और अदर बहुत सारी हिस्ट्रीज़ जो थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया. मैकियावेली एम्ब्रेस्ड दीज आइडियल्स बाय लुकिंग बैक टू द एंशिएंट रोम पॉलिटिकल आइडियल्स. मतलब कि रोम की जो पॉलिटिकल मॉडल थी उसको ग्लोरियस किया और रिजेक्टिंग द रिलीजियस फ्यूडल स्ट्रक्चर्स. की भाई यहाँ पर मैकियावेली का मानना था कि भाई रिलीजन और स्टेट को सेपरेट होना चाहिए. रिलीजन शुड नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट्स वर्क और प्रिंसिपल्स. ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट थे मैकियावेली कि रिलीजन को स्टेट से, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और फ्यूडल स्ट्रक्चर के खिलाफ थे. हिज फोकस वॉज ऑन ह्यूमन रीजन एंड एम्पेरिकल. वो एम्पेरिकल थे, रीजन्स पर फोकस करते थे. एम्पेरिकल क्या होता है, देखिएगा दो व्यूज होते हैं, एक एम्पेरिकल और एक होता है एक ऐसा व्यू जिसमें लोग सिर्फ बातों पर ध्यान देते हैं कि उनका मानना है, उनका मानना है एट्सेट्रा. मानना एंड एविडेंसेस दो तरीके के व्यूज़ थे. तो मैकियावेली जो थे एम्पेरिकल सोर्सेज पर ज़्यादा बिलीव करते थे. ऑब्जर्वेशन ओवर डिवाइन इंटरवेंशन, भाई वो ऑब्जर्व पर ध्यान देते थे. ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई आदेश आया है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए एट्सेट्रा, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे. देन इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द रेनेसेंस. उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट की जो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बाहरी जो शोर है, नॉइस है उसे. तो इंटेलेक्चुअल जो लोग थे उनके द्वारा जो बातें रखी गई, जो फैक्ट्स रखे गए उसके हिसाब से उन्होंने काम करना पसंद किया. रिसर्जेंस ऑफ नॉलेज. अब देखिएगा रेनेसेंस का टाइम था, यहाँ पर लोगों ने डेफिनेटली क्लासिकल हिस्ट्रीज़ को, स्कॉलर्स को रिविजिट करना स्टार्ट किया, नॉलेज को गेन करना स्टार्ट किया. नॉलेज देखिएगा, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट से दैट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. आपने फेस नहीं किया होगा, आई हैव फेस द सिचुएशन कि जब आप हॉस्पिटल बिल्स पे करने जाएंगे ना तो बहुत डिफ़िकल्टीज होगी अगर आपके पास पैसे नहीं है. तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. आई वोंट से दैट पैसा कुछ नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो, आई वुड से पैसा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. लेकिन यहाँ पर नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, पैसा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कभी ना कभी ख़त्म होगा और उसे कमाने के लिए अगेन आपको जाना पड़ेगा. लेकिन नॉलेज, अगर आज आपने मैकियावेली के जो द प्रिंस पढ़ ली, चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ ली, चाणक्य नीति पढ़ ली, तो ये आपके जो माइंड में है ना उसे कोई नहीं छीन पाएगा. उससे आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे, कुछ ना कुछ बना लेंगे. पैसा और नॉलेज दोनों इम्पॉर्टेंट है. आई वोंट से दैट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सेइंग दैट आई शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी. सो दैट्स वाई आई से मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, देन लेट्स गो अहेड. ही स्टडीड रोमन हिस्ट्री. उन्होंने रोमन हिस्ट्री को पढ़ा. प्रैक्टिकल लेसन्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब कि हिस्ट्री से सीखकर कॉन्टेम्प्रेरी जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसके लिए कुछ ना कुछ निकाला. वो कहते हैं ना कि दही को, मतलब कि वो कहते हैं ना कि कैसे, आई डोंट नो इन व्हाट टू से, रोल करके जब दही को निकालते हैं क्रीम, तो वो क्रीम निकाली, हिस्ट्री को पढ़कर क्रीम निकाली और उस क्रीम का यूज़ किया नेशन स्टेट्स के लिए. गवर्नेंस पर फोकस किया, एम्फसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंट लर्निंग पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी पास्ट बट अप्लाइंग मॉडर्न सर्कमस्टांसिस. कि भाई हिस्ट्री को पढ़ो लेकिन हिस्ट्री की जो क्रीम है ना, जो सीख है ना, उसको अप्लाई करो मॉडर्न सर्कमस्टांसिस, मॉडर्न परिस्थितियों पर. पॉलिटिकल सिचुएशन, आप जानते हैं कि भाई जिस माहौल में मैकियावेली रहे हैं वहाँ पर देखिएगा फ्लोरेंस, वेनिस एंड मिला जैसे बहुत सारी सिटीज़ थी जहाँ पर पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा था, स्ट्रगल फॉर पावर. द कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, अगेन एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, कपल्ड विद थ्रेट फॉरेन इन्वेजन क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट इन विच
मैकियावेली आइडियाज़ पावर एंड कंट्रोल वर डेवलप्ड। सो इस सिचुएशन में मैकियावेली के जो थॉट्स एंड फिलोसफी थी डेवलप हुई। सोशल कंडीशन की अगर बात करें तो दैट सोशल कंडीशन इन इटली वॉज मार्क्ड बाई ग्रोइंग मर्चेंट क्लासेस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रेनेसेंस का समय था, फ्यूडल सिस्टम मतलब कि जो राजशाही सिस्टम था वो ख़त्म हो रहा था, लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया, व्यापारी लोग यहाँ पर बढ़ रहे थे, कुलीन वर्ग आ रहे थे, बिजनेस क्लास एलिट क्लास आ रही थी। तो अब एक राजा को यहाँ पर देखिएगा, सभी लोग अगर अमीर हैं तो यहाँ पर बाहरी आक्रमण, चोरों का आना एट्सेट्रा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैकियावेली का मानना था कि भाई एक मिलिट्री होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है मिलिट्री, इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को, मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्ट्रेंथ और एक स्टेबल राजा की ज़रूरत है एक स्टेट में। थियरी ऑफ नेशन स्टेट, देखिएगा नेशन स्टेट की शुरुआत यहाँ से होती है मैकियावेली की फिलॉसफी से। मैकियावेली इज ऑफन क्रेडिटेड विद डेवलपिंग अ थियरी ऑफ नेशन स्टेट वेयर द स्टेट इज प्राइमरी गोल इज टू मेंटेन इट्स पावर एंड सोवरेनिटी। एक स्टेट का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भाई इसकी जो पावर है ना वो मेंटेन रहे, सोवरेनिटी यानी कि बाहर के लोग जो आके कुछ भी कह के हमारे निर्णय प्रभावित करते हैं ना वो नहीं होना चाहिए, पावर और सोवरेनिटी मेंटेन रखनी है। आर्ग्यूड दैट रूलर शुड फोकस ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड रियल पॉलिटिक, मतलब कि स्टेट क्राफ्ट में मतलब मिलिट्री पॉलिसी एट्सेट्रा पर फोकस करना चाहिए, रियल पॉलिटिक पर फोकस करना चाहिए, पर्सनल मोरल और रिलीजियस कंसिडरेशन अचीव द प्राइमरी गोल ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट। मतलब कि पर्सनल जो मोरल है, मतलब कि अगर मैं उनकी हत्या कर दूँ तो मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे एट्सेट्रा, ये जो पर्सनल मोरल रिलीजियस कंसिडरेशन जो है उसको साइड रखना होगा एक राजा को, अगर वो एक राजा बनना चाहता है तो मैकियावेली के नेशन स्टेट में। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन एंड मोरालिटी, यहाँ पर क्लियर कट मतलब कि मैकियावेली का मानना था कि भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिलीजन है ना उसको स्टेट में इंटरफेयर नहीं करना है। बेसिक बात अगर आपको बताऊँ कुछ शब्दों में तो लेट्स रीड इट। One of the Machiavelli's most groundbreaking ideas was the separation of politics from religion. कि भाई जो politics है वो religion से separate होनी चाहिए, जो churches है वो politics में interfere ना करे, बहुत अच्छा रहेगा। Okay? Then he argued that political action should not judged by moral religious standard, but by their effectiveness in achieving political stability. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है उस हिसाब से कार्य करना चाहिए, ना कि किस धर्म को कितना ठेस पहुंचेगा, किस मजहब को कितना ठेस पहुंचेगा, उससे मैकियावेली को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज के समय में रिलीजन बहुत मैटर करता है, आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज रिलीजन को देखकर, आज 21st century बहुत सारी कंट्रीज रिलीजन को देखकर अपनी पॉलिसी बनाती है। दिस इज द हार्श ट्रूथ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके देन लेट्स गो अहेड। दिस आइडिया वॉज रेडिकल, मतलब कि रेडिकल आइडिया था, एज एट द टाइम पॉलिटिक्स हैड लॉन्ग बीन इंटरवेंड बाई रिलीजियस अथॉरिटीज़, मतलब रिलीजन हमेशा से पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता था और कहीं ना कहीं मैकियावेली की इन बातों का विरोध कहा गया। तभी तो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल फिलोसफर थे मैकियावेली। अगर आप सच बोलोगे ना डेफिनेटली आप कॉन्ट्रोवर्सी में घिरे जाओगे। तो मैकियावेली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलोसफर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसफर एंड वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर एवर बॉर्न इन द वर्ल्ड। ओके एंड मेरे फेवरेट फिलोसफर भी है। मैकियावेली को आप जब पढ़ेंगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैकियावेली, चाणक्य, देन एरिस्टोटल, ये बहुत ही रियलिस्टिक, आई एम अ रियलिस्टिक, मतलब एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर फोकस नहीं करना चाहिए, बट उनकी भी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन जब वे स्टूडेंट है तो उनको अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रखकर सभी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ओके पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, मैकियावेली बिलीव दैट वाइल रिलीजन कुड बी यूजफुल टूल, कि मैकियावेली का मानना था रिलीजन को हम एक टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, कि सोसाइटी में सारे रिलीजन को ज़्यादा मानते हैं तो क्यों ना रिलीजन को एक टूल के तरीके से यूज़ किए करे कि भाई लोगों को इमोशनल कर लो एंड रिलीजन का यूज़ करो एंड अपनी पॉलिसीज़ को पास कराओ। तो यहाँ पर मानना था कि एक रूलर शुड नॉट रिलाई ऑन रिलीजियस आइडल
व्हेन मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन, कि क्रिटिकल डिसीजन गवर्नेंस को लेकर जब बनाते हैं तो रूलर शुड नॉट रिलाई ऑन रिलीजियस आइडियल्स. गवर्नेंस कंसिडरेशन, मैकियावेलीज अप्रोच गवर्नेंस वॉज प्रैग्मेटिक थी, फोकस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ पावर. रियलिटी ऑफ पावर को फोकस किया. ही बिलीव रूलर शुड बी फ्लेक्सीबल, कि एक रूलर ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ पर, मतलब कि एक मूवी बहुत अच्छी है कि आपने एक मूवी देखी होगी आई करके है शायद, या फिर दशा अवतार, कि एक व्यक्ति होता है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है, कभी वो हंसता है कभी वो रोता है, मतलब कि समय के हिसाब से बदलना एक रूलर का दायित्व होता है, कि कभी अगर कोई समस्या आ जाए तो उस हिसाब से वो परिवर्तन हो जाए. फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक रूलर, मतलब कि अगर दया दिखा रहा है तो दया होनी चाहिए, और क्रूरता दिखा रहा है तो उससे ज़्यादा क्रूर कोई नहीं. ओके, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, देन दिस माइट इन्वॉल्व यूजिंग डिसिट मैनिपुलेशन, मतलब कि क्रूरता भी यूज करे, क्रुएलिटी इफ इट सर्व्स द ग्रेटर गुड फॉर मेंटेनिंग स्टेट्स पावर और स्टेबिलिटी. अगर स्टेट की पावर और स्टेबिलिटी बनाए रखनी है तो क्रूएल भी हो सकते हैं. ड्यूटीज ऑफ प्रिंस, प्रिंस की क्या ड्यूटी है मैकियावेली की द प्रिंस में. मैकियावेली आउटलाइन द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव रूलर. ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंस बींग बोथ लव्ड एंड फियर, कि एक प्रिंस जो है वो लोगों के द्वारा, मतलब कि उसको प्यार भी मिले और लोग उससे डरे भी. देखिएगा, अगर आपको प्यार और डर नहीं होगा देन डेफिनेटली यू वॉन्ट बी अ किंग. ओके, आर्ग्यूड इट वॉज सेफर फॉर रूलर टू बी फियर्ड इफ ही कुड नॉट बी बोथ. अ प्रिंस मस्ट श्रूड विलिंग टू यूज डिसेप्शन, कि एक प्रिंस को कभी भी जो क्रूरता का रास्ता है वो चुनने से डरना नहीं चाहिए, मैकियावेली मानना था. अवॉइड बींग ओवरली मर्सीफुल जेनरस, कि ज़्यादा ही दयालु मत बनो, ज़्यादा मर्सीफुल जेनरस. वो बोलते हैं ना कि आई एम हेयर टू प्लीज, कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ये नहीं करूँगा ये नहीं करूँगी. तो डोंट ट्राई टू प्लीज अदर्स, ट्राई टू थिंक अबाउट यू. अगर आप आगे नहीं जाएंगे देन हाउ वुड योर फैमिली गो अहेड. ओके, सो थिंक अबाउट यू. एज दीज ट्रेट्स कुड लेड टू इंस्टेबिलिटी. मैकियावेलीज स्टेट क्राफ्ट, मैकियावेलीज स्टेट क्राफ्ट इज रूटेड इन द आइडिया दैट पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पॉलिटिक्स. पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पॉलिटिक्स, मैकियावेली का मानना था. रूलर मस्ट विलिंग टू यूज एनी मीन्स, मतलब कि किसी भी रास्ते, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके का यूज़ करना पड़े एक किंग को करना पड़ेगा. हालांकि साम दाम दंड भेद चाणक्य की नीति थी. ओके, नेसेसरी टू मेंटेन. ही एडवोकेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, की एक मिलिट्री होनी चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग. द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक परसेप्शन, की पब्लिक को मैनिपुलेट करना आना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग एंड अपॉर्चुनिटी, कि समय के हिसाब से तीर मारना चाहिए. ओके, एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए. मैकियावेली राइटिंग मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस. ही रिजेक्टेड आइडियलिज्म फेवर ऑफ ए मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच टू पावर, एम्फसाइजिंग ऑन द रूलर मस्ट फोकस रिजल्ट रादर देन इंटेंशंस. हिज वर्क बीन बोथ क्रिटिसाइज एंड साइनिसाइज्म एंड प्रेज्ड फॉर इट्स रियलिज्म. सो ये था आज के लिए, एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 20-30 वर्ड्स के. ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे ताकि आप लिख पाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.